चित्तौड़गढ़ से है। शनिवार के दिन चौराहा पर देश के सर्वोच्च सैन्य अधिकारी सीडीएस जनरल बिपिन सिंह रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत, सैन्य अधिकारी एसएस लीडर हरजिंदर सिंह, गुरुसेवक सिंह, जितेंद्र कुमार, विवेक कुमार, डीसीआई तेजा, सतपाल सिंह, पृथ्वी सिंह चौहान, के सिंह, ए प्रमोद दास आदि अधिकारियों की कुन्नूर में हवाई हादसे में असामयिक निधन पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान किसान नेता कमलेंद्र सिंह हाड़ा ने जनरल बिपिन सिंह रावत के जीवन पर प्रकाश डाला और बताया कि वे बड़े सिद्धांतवादी थे। रावत का मानना था कि दुश्मन पर प्रथम गोली हमारी नहीं होगी और यदि दुश्मन के आगे होकर गोली चलाई तो हमारी गोलियां कम नहीं पड़ेगी। जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में भारतीय सेना ने विश्व में अपना नाम ऊंचा किया है। उनके नेतृत्व में बालाकोट, पीओके और म्यांमार में सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। जनरल साहब विश्व शांति सेना में रहे। 2019 में अमेरिका की यात्रा पर रावत जी को यूनाइटेड स्टेट आर्मी कमांड में जनरल स्टाफ कॉलेज इंटरनेशनल होम ऑफ फेम में शामिल किया। वे नेपाली सेना में माधव जनरल भी रहे। कार्यक्रम को पूर्व जिला प्रमुख व पार्षद मधु कंवर हाडा ने संबोधित करते हुए कहा कि जनरल साहब ने थल सेना, वायु सेना और नौसेना के 17 कमानों को एकत्रित किया। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजकुमार वधना ने कहा कि जनरल रावत ने नेतृत्व में सेना को अत्याधुनिक बनाई जा रही है। सेना भारती के ओम जी बांदी से संबोधित करते जनरल बिपिन रावत आम जनता से जज्बाज भर देते थे। कार्यक्रम का संचालन हनीफ खान ने किया। इस दौरान पूर्व ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष भगवान सिंह गौड़, पूर्व ग्रामीण मंडल महामंत्री दिनेश जैन, नारायण बुनकर, शंकर बुनकर, प्रवीण लाट, मोहिद्दीन शेख, ईश्वर डिंडोनिया, प्रकाश मुन्ना, हेमंत कुमार, लखन बारिशा, मनोज मेघवाल, राजेंद्र मेघवाल, रणजीत देवड़ा, भव्य शर्मा, भागीरथ राठौर, विष्णु राठौर, पंकज सिंह, अभिषेक टेलर, चेतन श्रीवास्तव आदि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे व श्रद्धांजलि अर्पित की। सारे जाबाज देश के सिपाहियों को आप सबकी ओर से, मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों, मातृशक्ति, हम सब अपने अंदर के चरणों में किया, लेकिन एक प्रेरणा लेकर जाए, एक संकल्प लेकर जाए, हम भी अपने इस मौका के काम आ सके, ऐसा कोई इनके जीवन में ऐसा काम करके जाए, ये अच्छे श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। सभी भारतीयों में मन में इतनी पीड़ा है कि देश की रक्षा करने के लिए जिस व्यक्ति के कंधों पर जिम्मेदारी थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे